हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे देसी चना ग्रेवी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देसी चना ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चना लेंगे। ये हमारा वेट में 200 ग्राम के आसपास है। इसे हमने पूरी रात भीगने के लिए रख दिया है और भीगने के बाद हमारा चना कुछ इस प्रकार का होगा। इसमें से हम आधा चना को पीस लेंगे और आधा खड़ा रखेंगे। पीसने के समय में फ्रेंड्स, हमने 10 से 12 कलियां लहसुन की और एक अदरक का टुकड़ा दे दिया था इसी में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम 2 प्याज लेंगे, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च और हरी धनिया। अदरक लहसुन हमने पहले ही डाल दिया था इसी में पेस्ट करने के समय। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे लगभग 2 चम्मच के आसपास। फिर हम जीरा ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद प्याज डालेंगे और हरी मिर्च। और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, सुनहरा होने देंगे। थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे हम। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं इसमें। और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और इन सब को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला में फ्रेंड्स, हमने आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग किया है। थोड़ी सी हम पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ये अब तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने चने को जो मिक्सर जार में पीसा था उसको ऐड करेंगे। चना को पीसते समय ही हमने लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया था। आप चाहे तो लहसुन अदरक को मसाले के साथ पहले भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें खड़ा चना ऐड करेंगे जो हमने आधी बचा के रखी थी। और इसे अच्छे से मिलाएंगे। फिर धनिया का पत्ता ऐड करेंगे इसमें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद फ्रेंड्स, देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसका मतलब ये हमारा पीसा हुआ चना भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी को थोड़ी थोड़ी डालते रहना है फ्रेंड्स और मिलाते रहना है ताकि हमारे इसमें पानी ज़्यादा ना पड़े। आप अपने अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो खाना। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे मिलाते रहेंगे।
पानी उसी हिसाब से हम डालेंगे, जो कि कढ़ाई में अभी देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा है। ये जब हम उतारेंगे तो ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आप पानी डालें। बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है इससे फ्रेंड्स। जब आपके घर में हरी सब्जियां ख़त्म हो गई हो तो आप इस तरह की रेसिपी का प्रयोग किया करें, आपको एक अलग ही स्वाद मिलेगा। आपको ये एहसास नहीं होगा कि हमारे घर में हरी सब्जियां नहीं हैं। और एक यूनिक रेसिपी भी आपके घर में बन जाएगा। अब इसे हम उबाल आने तक वेट करेंगे। इसे लगभग हम पानी डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें हमने थोड़ी सी मीट मसाला का प्रयोग किया यहाँ पे फ्रेंड्स, आधी चम्मच के आसपास। तो इसे डाल के मिलाएंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हमारा देसी चना ग्रेवी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे और ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी गाढ़ी हमने रखी है। इसे आप रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को झटपट बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।